नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल द फैक्ट गेट में। दुनिया अभी भी कुछ सबसे खतरनाक जनजातियों से भरी पड़ी है जो सभी आधुनिक विकासों से कोसों दूर हैं। इनमें से कुछ अज्ञात लोगों को नरभक्षी माना जाता है जबकि कुछ को शांतिप्रिय माना जाता है। कुछ से संबंधित देशों की सरकारों द्वारा सफलतापूर्वक संपर्क भी किया जाता है, लेकिन इन अलग थलग जनजातियों के साथ रास्ता पार करने से अन्य मौतों के साथ साथ आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए भले ही आप अमेजनन या अन्य गहरे जंगलों के जंगलों का पता लगाने के लिए उत्सुक हों, यहां वे जनजातियां हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। हमारे काउंटडाउन आखिरी नंबर पर एक ऐसी खतरनाक ट्राइब है जिसके पास जाना यानी मौत को दावत देना है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 8, अयोरियो जनजाति पराग्वे और बोलिविया के आसपास के इलाकों में एक ऐसी जनजाति रहता है जिसका बाहरी दुनिया से ना के बराबर संपर्क रहा है। अयोरियो नाम के ये जनजाति ज्यादातर शिकार पर ही निर्भर रहता है। जंगल के फलों और जंगली जीव जंतुओं के शिकार करके उनका मांस खाते हैं। ये जनजाति वैसे तो शांत रहता है, लेकिन अगर बाहर का किसी इंसान को उनके इलाके में देखते हैं तो वो बहुत ही हिंसक हो जाते हैं। वो लोग सदियों से आधुनिक सभ्यता के साथ किसी भी तरह के संपर्क से बचते रहे। जैसे जैसे जंगल की कटाई बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहे हैं। जिस जनजाति का कभी खौफ था, वह आज जंगलों से विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन जो लोग अभी भी जंगल में रहते हैं, उनका बाहरी लोगों से संपर्क खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए यदि आप कभी भी इन खतरनाक जनजातियों से मिलते हैं तो सभी तीरों, डार्ट्स और स्पाइक्स से सावधान रहें। नंबर 7, मोकेन जनजाति। समुद्री जिप्सी मोकेन जनजाति, हालांकि बर्मा और थाईलैंड सरकारों द्वारा सफलतापूर्वक संपर्क किया गया, दुनिया में खोई हुई जनजाति होने की कगार पर है। उन्हें समुद्री लोगों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन छोटी लकड़ी की नावों में समुद्र की खोज में बिताया था। कभी खतरनाक जनजाति समझी जाने वाली ये जनजाति आज अधिकतर शांतिपूर्ण है। नंबर 6, मुश्कोपीरो दुनिया के संपर्क रहित लोगों में से एक है और इसे पेरू में देखा गया है। कुजारेनो लोगों के रूप में भी पहचाने जाने वाले, वे हाल ही में 2012 में एक बाहरी व्यक्ति को मारने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए पेरू के जंगलों में घूमते समय इस आदिम जनजाति से सावधान रहें जो अभी भी मौजूद है। नंबर 5, यानोमामी जनजाति वेनेजुएला और ब्राजील के बीच अमेजन के घने जंगल में बसे। यानोमामी लोग आसानी से दुनिया भर में सबसे हिंसक जनजातियों में से एक हो सकते हैं। हालांकि इन लोगों को सभ्यता के संपर्क के कारण शराब, बीमारियों और हिंसा का सामना करना पड़ा है, फिर भी वे ज्यादातर अलग थलग हैं। नंबर 4, सूरी लोग दर्दनाक अनुष्ठान, खतरनाक छड़ी लड़ाई समारोह और दर्दनाक लिपलग सूरी जनजाति को परिभाषित करते हैं। दक्षिण पश्चिमी इथियोपिया में स्थित सूरी या सुरामा लोग अभी भी जीवन के प्राचीन तरीकों का लगातार पालन करते हैं। हालांकि इस जनजाति ने बाहरी लोगों को अपने जीवन की एक झलक चुराने की अनुमति दी है, लेकिन आपको उनसे मिलकर दुख होगा। नंबर 3, कोरोवाई जनजाति। कोरोवाई वह जनजाति है जो दक्षिण पूर्वी पश्चिम पापुआ के जंगलों में न्याय के साधन के रूप में नरभक्षण का अभ्यास करती थी। कोरोवाई में जानवरों की बलियाम है और उनका जीवन जादू और आत्माओं के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में उन्होंने आधुनिक विश्व संपर्क का स्वागत किया है, फिर भी वे दुनिया की उग्र जनजातियों में से एक हैं। नंबर 2, कोरुबो दसलाला जनजाति। कोरुबा, जिसे दसलाला के नाम से भी जाना जाता है, ब्राजील की एक क्रूर जनजाति है। जब ब्राजील सरकार ने उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की तो नतीजा बिल्कुल वैसा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। डीएसलालास ने अमेजनन बेसिन में प्रवेश करने का साहस करने वाले कुछ से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मार डाला। नंबर 1, याइफो जनजाति। पापुआ न्यू गिनी में याइफो जनजाति पहली बार 1988 में आधुनिक दुनिया के संपर्क में आई। जनजाति से संपर्क करने वाले ब्रिटिश लेखक बेनेडिक्ट एलन ने उनके भयानक नृत्य की दिलचस्प कहानियों को याद किया जिसने उनका स्वागत किया। याइफोस आमतौर पर बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखता है, और यदि आप उनके साथ रास्ते में गुजरते हैं तो आपका स्वागत तीर और धनुष से होने की संभावना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।